हर माँ बाप को अपने बच्चों की एग्जाम से पहले ये तीन चीजों का जरूर से ख्याल रखना है। उसमें से तीसरी चीज है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। नंबर वन, आपके घर का जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत पॉजिटिव रखे और अपने बच्चों के दोस्त बनकर रही है, क्योंकि घर का जो पॉजिटिव एटमॉस्फेयर है वो बच्चे की मानसिक स्थिति के ऊपर बहुत इम्पैक्ट क्रिएट करता है, जिसकी वजह से वो अच्छे से पढ़ पाता है। अपने बच्चों के साथ जरूर से बातचीत करें, उसकी बातों को ध्यान रखें और सुनिए कि वो क्या कहना चाहता है, ताकि उसको एक स्पेशल फील होगा और बच्चा मोटिवेट रहेगा, वो अच्छे से पढ़ पाएगा। नंबर टू, आपके बच्चे के डाइट के ऊपर जरूर से फोकस कीजिए और आपका बच्चा अच्छे से सो रहा है कि नहीं उसके ऊपर जरूर से ध्यान रखिए, क्योंकि बच्चे के डाइट और अच्छी सी स्लीप की वजह से बच्चे के मेंटल और फिजिकल स्टेट के ऊपर बहुत इंपैक्ट क्रिएट हो सकता है और बच्चा जो है वो पॉजिटिव फोकस के साथ पढ़ पाएगा। नंबर थ्री, आपके बच्चों की कंपैरिजन आपको कभी भी नहीं करनी है उसके दोस्तों के साथ या तो कोई रिलेटिव के साथ, क्योंकि आप जैसे ही कंपैरिजन मोड में आते हो तो बच्चा एग्जाम के लिए डिप्रेस फील करता है। और एक चीज ऑलवेज जरूर से याद रखिए कि हर बच्चा एक यूनिक स्ट्रेंथ लेकर आता है, तो ये चीज आपको ऑलवेज याद रखनी है और ये चीज आपको हर एक पेरेंट्स के साथ शेयर करनी है कि जिसके बच्चे की अभी एग्जाम आ रही है।